घटिया बयानबाजी कर रहा है, तो ये तो अमृतकाल कहाँ चल रहा है देश में, ये तो विषकाल चल रहा है। सरकार जितना जेल में डालने का काम करेगी, सरकार जितना अपनी लठ और गोली और बंदूक से डराने की कोशिश करेगी, उतना ही आंदोलन मजबूती के साथ उठेगा। फिर तो सरकार और हम सीधा टकराने के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हम नहीं चाहते इस देश में श्रीलंका जैसे हालात पे। देखिए, जनता जब सरकार से टकराती है तो सरकार चकनाचूर होती है, जनता कभी चकनाचूर नहीं होती, वो हमारे वोट से बड़ी है। पहलवानों ने इस बात का बिल्कुल क्लियर ऐलान किया कि हमारी बात में अगर कहीं झूठ निकले तो ये देश के लोग हमें चाहे यही जंतर मंत्र पे फांसी लटका दे। किसान नेता हैं सर, आंदोलन का 15वां दिन है, आप लोग यहाँ पर आ गए, सरकार से क्या कुछ कहेंगे? सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार को बहुत कुछ कहा जा चुका है और सरकार गूंगी नहीं होती, सरकार के नाक कान आंख सब चीजें होती हैं, सरकार बात सुने, क्योंकि जो यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, जो भाई बहन बैठे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में कई बार तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। देश की राजधानी है, जंतर मंतर है, 15 दिन हो गए आंधी बारिश तूफान में बैठे हैं, और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, उसके बाद भी खेल मंत्री चुप हैं, और एक सांसद जिसको अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, दिल्ली पुलिस उसको VIP ट्रीटमेंट दे रही है, दिल्ली पुलिस उसको सिक्योरिटी दे रही है, और उसी सिक्योरिटी में बैठ करके और वो घटिया बयानबाजी कर रहा है, तो ये तो अमृतकाल कहाँ चल रहा है देश में, ये तो विषकाल चल रहा है। पहले मजदूर, फिर किसान, फिर नौजवान और अब पहलवान, तो ये जो जनसैलाब है ये बिल्कुल साफ सरकार को बताने के लिए है कि सरकार पहलवानों की मांग मान ले, अब ये किसान आंदोलन की तरह एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और बड़ा और तेज किया जाएगा। जन आंदोलन कैसे बनेगा? आप लोग जब आते हैं तो बॉर्डर पर रोक लिया जाता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है, जब ही तो जन आंदोलन बनेगा। सरकार जितने मुकदमे दर्ज करेगी, सरकार जितना जेल में डालने का काम करेगी, सरकार जितना अपनी लठ और गोली और बंदूक से डराने की कोशिश करेगी, उतना ही आंदोलन मजबूती के साथ उठेगा। देखिए, वैसे हो सकता है हमारी किसान पंचायत में कम लोग आए, लेकिन अगर सरकार की प्रशासन की कहीं गुंडागर्दी होगी तो फिर किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती, हजारों लाखों की संख्या में आती, और किसान आंदोलन में हमने ये चीज देखी भी है, हमारे बहनों की आंखों में आंसू आए, तो पूरे देश के स्वाभिमान से मामला जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, कौन सा कोना देश का और कौन सा घर ऐसा बाकी है जो इस आंदोलन से अछूता है, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा वर्ग ऐसा बाकी है जो पहलवान बहनों के साथ नहीं है, हमारे भाइयों के साथ नहीं है? यहाँ सारी खापे भी पहुँच रही हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, ये एक तरह से आंदोलन पार्ट टू हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा अगले आंदोलन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये आंदोलन पार्ट टू शुरू हो गया, और इसमें निश्चित तौर पर जैसे किसान जीत करके दिल्ली से गए थे, वैसे ही पहलवान भी दिल्ली से जीत करके जाएंगे। और कानून देश में एक होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती कि भाजपा वालों के लिए अलग कानून होगा, आरएसएस के लोगों के लिए अलग कानून होगा, हमारे लिए अलग कानून होगा, आपके लिए अलग कानून होगा। हम संविधान के मुताबिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से सरकार अपना धर्म समझे, जिस संविधान की शपथ ली है, कम से कम उस शपथ को याद करते हुए वो संविधान के अनुसार चले। संविधान को कुचलने की कोशिश कोई करेगा और लोकतंत्र को कोई तार तार करने की कोशिश करेगा तो नौजवान भी उठेगा, जवान भी उठेगा, मजदूर और किसान भी उठेगा, पत्रकार भी उठेगा, और वो फिर सरकार का नाश कर देगा। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग उकसा रहे हैं, लोगों को उग्र कर रहे हैं, आप लोग कर पगड़ी की लड़ाई है साहब। देखिए, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे पास छुपाने के लिए उकसाने के लिए कुछ नहीं है। ये छुपाई का खेल BJP और RSS के लोग खेलते हैं, हम तो जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, और सरकार किसी वहम में रहे ही ना। जब किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, किसान का टैंक ट्रैक्टर तैयार खड़ा है,
और उसके बाद भी सरकार, ये सरकार को समझना चाहिए कि भाई हम लाल किले तक किसान का ट्रैक्टर जा सकता है तो वो जंतर मंतर तक भी आ सकता है। और यहाँ भी आज तो 10% लोग पूछे, 90% लोग तो इन्होंने बॉर्डरों के ऊपर रोक रखे। इंसाफ और ये तो हाँ। केवल आज एक कोई आह्वान नहीं था, केवल ये था कि एक खापों की पंचायत हो जाए, उसमें फैसला हो आगे का, तब इतने लोग आए हैं। और अगर ऐलान खुला हो गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो सरकार और हम सीधा टकराने के लिए तैयार है। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हम नहीं चाहते इस देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा। टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, उनके पास जेलें हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास तोपे हैं। देखिए, जनता जब सरकार से टकराती है तो सरकार चकनाचूर होती है, जनता कभी चकनाचूर नहीं होती। वो हमारे वोट से बड़ी है, वो हमारे वोट से जन्मी है। जी, आप लोग क्यों उग्र कर रहे हैं सर? आप लोग आरोप लग रहा है। अरे भाई कमाल, हम उग्र कहाँ कर रहे हैं? उग्र तो वो कर रहे हैं कि यौन शोषण के आरोपी को सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो निर्दोष हैं, खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे भाई, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायालय है, इस देश में एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलो ना। अगर वो क्लीन है, पहलवानों ने इस बात का बिल्कुल क्लियर ऐलान किया कि हमारी बात में अगर कहीं झूठ निकले तो ये देश के लोग हमें चाहे यहीं जंतर मंतर पे फांसी लटका दे, और अगर हमारी बात सच्ची है तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही बात तो ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं ना। अरे भाई नार्क, देखो हरियाणा का मंत्री है संदीप सिंह, उसने कल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मना कर दिया, परसों की बात है, कि मैं तो टेस्ट नहीं करवाऊंगा। क्यों टेस्ट करवाएगा? पकड़ा जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा। खट्टर साहब ने उसको बचा रखा है, अमित शाह ने बचा रखा है, तो खिलाड़ी तो तैयार है नार्को टेस्ट करवाने के लिए। ब्रिजभूषण अपना नार्को टेस्ट करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ये वही सरकार है जो ये कह रही थी कानून वापिस नहीं होते, बदलाव होता है। और हमने ये कहा था कि वापिस लेने पड़ेंगे डंके की चोट पे। लिए कि नहीं लिए, लिए कि नहीं लिए, वापिस लिए कि नहीं लिए, कानून वापिस लिए कि नहीं लिए? आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप लोग देशद्रोही हैं, यहाँ पर खलिस्तानियों की एंट्री हो गई है, यहाँ पर पाकिस्तानियों की एंट्री हो गई है। देखिए, जब किसान आंदोलन था उस समय किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, पहलवान बैठे, तो अब उनको एक जाति और एक राज्य के साथ जोड़ा जा रहा है। ये तो बीजेपी का पुराना एजेंडा है। मैं आपको कहना ये चाह रहा था, तीन कानून वापिस हुए, सरकार कह रही थी वापिस नहीं होंगे, उसी प्रकार से पहलवानों की भी जीत होगी, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो। गुंडों का इलाज हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस आंदोलन को आज ही खत्म कर दिया जाएगा या रणनीति बनाई जाएगी, पूरे देश के लोग इकट्ठा हो, एकजुट हो जंतर मंतर पर? देखिए, आंदोलन को क्यों खत्म किया जाएगा? आंदोलन जब तक जीत नहीं लिया जाएगा, आंदोलन चलेगा। सरकार इस बात के लिए अभी पूरी मीटिंग खापों की, संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा की चल रही है। आंदोलन चलेगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक चलेगा। और जो ये फेडरेशन में अपने एक परिवार का कब्जा है, ब्रिजभूषण के परिवार का, कुश्ती उसके बाप की पपोती नहीं है, कुश्ती गांव देहात का खेल है, कुश्ती हमारे गौरव से जुड़ा हुआ खेल है। फेडरेशन में जो ब्रिजभूषण का कब्जा है, उन सारे कब्जाधारियों को हटाया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। के पास ज्यादा मेडल है, पीटी उषा वहां यहां पर आती हैं और कहती हैं आंदोलन खत्म कर दीजिए, जाइए ट्रेनिंग कीजिए। देखिए, वो पीटी उषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान जब ज्यादा था जब वो खिलाड़ी बन के बात करती थी। जब से वो बीजेपी की राज्यसभा सांसद बने हैं तो उनके सलाह की हमें और पहलवानों को जरूरत नहीं है, वो अपनी सलाह अपने पास रखते हैं। भूषण बार बार सुशील कुमार का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सुशील कुमार इस समय जेल में है। देखिए, सुशील कुमार ने मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया, उसके नाते तो उनका सम्मान हमेशा रहेगा। चाहे वो पीटी उषा ने देश का नाम रोशन किया, उसके नाते भी सम्मान रहेगा। जिसने कोई क्राइम किया उसको कानून के अंतर्गत सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। ऐसे तो अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ रोज कहते हैं मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सबसे बड़ा माफिया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिसके ऊपर 80 से ज्यादा पर्चे हैं, मोटरसाइकिल चोरी से लेके चोरी छेड़ने तक के
और 302 और 307 के पर्चे हैं सबसे पहले, और ब्रिजभूषण शरण सिंह, और वो कैमरे के सामने खुद कह रहा है मैं गोंडा का काका बताया गोंडा का गोंडा का गुंडा हूँ, और वो ये भी कह रहा था बोला मैं इशारा कर दूं तो जंतर मंतर पे कई लाख लोग आ जाएं, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी अगर औकात है तो वो इशारा करके दिखा दे, बता भी देंगे हमारे में कितनी ताकत है। क्या करेंगे आप लोग अगर उनके लोग आ गए यहाँ पर? तो कौन है वो आने दो, उसके बाद बताएंगे सारी बात, एकदम मत पूछा करो। खुले आम चैलेंज कर रहे हैं एक बाहुबली सांसद को? बिल्कुल सरे आम चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सरे आम चैलेंज कर रहे हैं, उसमें जितनी उस वो गुंडागर्दी कर सकता है, जितनी आदमी का न्यू क्या है अगर कि गांव हो है गांव बटोड़े हो न जो वो गांव की रुहाड़ बता दिया अगर। अरे भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह की भाषा सुन लो ना आप, सकल से वो गुंडा, भाषा से वो बदमाश, तो आरोप झूठे कैसे हो सकते हैं? जो पहलवान यहाँ बैठे हैं आप इनके बारे में पता करो और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में पता करो, आप जो है ना दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन सही है। और इस ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और आजीवन कम से, इसको तो कह रहा है ना फांसी लटक जाऊंगा, फांसी की सजा का हकदार है ये, 302 307 भी कर रहे हैं। अल्टीमेटम देंगे सरकार को ब्रिजभूषण को? देखिए अल्टीमेटम अब पहलवानों के साथ और जो कुश्ती के कोच हैं उनके साथ में, अब देश की खापे किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा है और हम सहयोग देंगे, चाहे वो जो भी निर्णय लेना पड़े निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे। जीतेंगे कैसे सवाल ये है, क्योंकि टीवी मीडिया अखबार वाले तो आपकी खबर को प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, चला नहीं रहे, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गोदी मीडिया है। और भाई साहब देश का गृह मंत्री भी तो उसका भी तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, योगी आदित्यनाथ पे भी 50 से ज्यादा पर्चे दर्ज थे, खुद मुख्यमंत्री बन के सबसे पहले अपने ही मुकदमे वापिस ले लिए योगी आदित्यनाथ ने, लिए कि नहीं लिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल ऐसा देखा गया नहीं, ये सच्चाई है। और ये भी देख लेना कि किसानों के बाद पहलवान भी आंदोलन जीत करके जाएंगे, किसानों के बाद पहलवान भी आंदोलन को जीत लेंगे और लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है जारी रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, जब उस दिन यहाँ पर घटना घटी थी तो यहाँ पर आ रहे थे और पुलिस ने अभिमन्यु को डिटेन कर लिया था, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।